बारा जेल से कोटा सेंट्रल जेल में रेफर किए गए एक कैदी की बीमारी के चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कैदी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। मृतक कैदी के भाई जाकिर का कहना है कि मांगरोल निवासी मोहम्मद रमजान जानलेवा हमले के मामले में बारा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे कोटा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब परिजन उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने रमजान से मिलने की एवज में रुपए मांगे, लेकिन जब रुपए देने से साफ इनकार कर दिया तो रमजान के साथ मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस की मारपीट से रमजान की मौत हो गई। वहीं मरने से पहले कैदी रमजान का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाता नजर आया। परिजनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। रमजान को सजा हो गई थी किसी केस में, वो बीमार था, उसको बारा जेल से कोटा ट्रांसफर करा इलाज के लिए। कोटा जेल से उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ हम मिलने गए तो पुलिस वालों ने हमसे पैसा कौड़ी मांगा, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, तो हम मिलने गए। पैसा न देने पर उसके साथ मारपीट की गई है। रमजान मेरे भाई ने, मरने वाले ने तो यही बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसके फ्रैक्चर वगैरह भी था पैर में। उसको फिर यहाँ से जयपुर रेफर कर गया, जयपुर में बिगैर छुट्टी की पुलिस जबरदस्ती उसको मेडिकल कॉलेज वापस ली। वो पुलिस लोकअप को देखते घबरा रहा था, उन पुलिस वालों को देखकर। तो हमारे पास खबर है शाम को कि उनकी डेथ होगी। हम चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ जुडिशियल जांच हो, जेल डीजी जांच कराए, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हो। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।